हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी वाई स्टडी चैनल एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना आप लोग तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे जितने भी नए 2021 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं ठीक है ठीके? वो वाले एमसीक्यू करेंगे ठीक है ट्वेंटी में जितने भी पी और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं तो मेरा नाम वर्षा सिंह है मैं आपकी जीए जी एस की मेनटोर हूँ अभी मेरा प्लस पे एक कोर्स है फाउंडेशन कोर्स पॉलिटी का तो आप सारे बच्चे वर्षा सिंह सर्च करके उस कोर्स में जा करके एनरोल कर लेना और आज का डाउट फीचर अन अकेडमी ने स्टार्ट किया है तो आपको जो भी डाउट है आप अन अकेडमी ऐप पर जा करके अपने डाउट को मतलब क्लियर कर सकते हैं और अभी जो अगस्त का ऑफ़र है आप देख ही रहे अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर इसमें एक साल के सब्सक्रिप्शन पे तीन महीने एक्स्ट्रा और दो साल के सब्सक्रिप्शन पे छः महीने एक्स्ट्रा और सी ई टी प्रिप्रेशन ऑफर पे एक साल में छह महीने और दो साल में बारह महीने और जो प्राइजेस है वो आपके सामने मेंशन है ये आपको तो आफ्टर डिस्काउंट वाला प्राइस दिया हुआ है ठीक है एस एस जो कि आपका हर एक संडे होता है कल आपका मेगा कॉम्बेट होने वाला है मुझे मालूम है कि कल राखी है ठीक है लेकिन राखी के बाद कम से कम आप 12 बजे दिन में मेगा कॉम्बेट में पार्टिसिपेट ज़रूर करना 50 मिनट का टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन होंगे जो टॉप 500 स्टूडेंट होंगे उसमें से टॉप थ्री को फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और बाकी के रैंक होल्डर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा जो आपके स्क्रीन पर मैंशन है और कल आपके पास मौका है एक बच्चों के पास मौका है क्या जीतने का आईपॉड मिनी एप्पल एयरपोड जे बी एल स्पीकर और एमेजोन के वाउचर तो एक हजार ऐसे लकी विनर्स होंगे जिनको ये सारे प्राइज मिलेंगे तो कल पार्टिसिपेट जरूर करना दिन में कितने बजे बारह बजे राखी मना लेना फिर पार्टिसिपेट कर लेना ठीक है क्योंकि पचास मिनट का समय आप लोग दे ही सकते हैं और ये मेरा कोड है वर्षा जिससे कि आप फ्री में इनरोल हो जाएंगे और जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बारह और चौबीस महीने का ले लेना कोड वर्षा यूज करके इससे आपको टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा बारह चौबीस महीने ही क्यों क्योंकि जैसे ही आप इस कोर्ड को अप्लाई करोगे तो ये आपको सस्ता और पड़ जाएगा सेवन जीरो टू जीरो का और ये आपको फाइव एट फाइव जीरो का एक तो ये आपको सस्ता पड़ेगा इसकी पर मंथ कॉस्ट और दूसरी आपको एग्जाम को इतना टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन को ठीक है तो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु हैज़ हैजिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए गुलॉर्मो लासो ऑप्शन बी बशर अल अशाद ऑप्शन सी इब्राहिम राइसी ऑप्शन डी सादियार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो याद रखना जो आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के वो बने हैं इब्राहिम रईसी ठीक है इब्राहिम रईसी इज द करेक्ट आंसर सेकेंड हु अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन ए योवेरी मिसरवेनी ऑप्शन बी मार्सिलो ऑप्शन सी विजोसा या ऑप्शन डी सादियार जापरव तो याद रखिएगा जो किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं सादिर जापरोवी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर इज डी सादिर जापरोव क्वेश्चन नंबर थर्ड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली ही याद रखना है कि कौन कौन नए बने हैं जो नए बनते हैं उन्हीं में से पूछा जाता है जनरली ठीक है तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए मार्गी और द्रागी को ऑप्शन बी मार्क रूद को, C, को, D, को। ऑप्शन ऑप्शन सी मोहम्मदो क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से आंसर दीजिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के मार्क रूद ठीक है तो आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर फोर्थ हु प्राइम मिनिस्टर ऑफ सामोआ पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो जब भी कोई पहली महिला बनती है तो वो इम्पोर्टेंट रहती ही है तो याद रखना जरूर तो सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी ऑप्शन ए फियामी नाउमी मताफा ऑप्शन बी उखना कुरसुख ऑप्शन सी एडवर्ड हरगर या ऑप्शन डी सामिया सुलहू क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ का आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है सुनील का आंसर आंसर इज ए नाओमी माताफा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर क्या होगा नाओमी माताफा और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है ये सामोआ की क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हु हैज बिन री इंस्टेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे बहाल किया गया है ऑप्शन ए अभी अहमद को ऑप्शन बी इसाक हरगोस को ऑप्शन सी स्टीफन लोफवेन को या ऑप्शन डी चोगवल कोकोला माएगा को क्वेश्चन नंबर पाँच एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट है आंसर इज लोफवेन स्टीफन लोफवेन इज द करेक्ट आंसर ये आपके नए क्या बन गए प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के क्वेश्चन नंबर 6 हु हैज बीन सोन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया ऑप्शन ए बशर अल अशाद ऑप्शन बी पेंपा शेरिंग ऑप्शन सी इब्राहिम रईसी ऑप्शन डी गुलार्मो लासो तो याद रखिएगा जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर के वो बने हैं गुलार्मो लासो ठीक है तो डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर क्या हो गया डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर क्या होगा डी क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हु अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा आंसर सभी का सही ही आ रहा है युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए योवेरी म्यूसिवेनी को ऑप्शन बी सादियार सादिया को ऑप्शन सी मार्शिला रेबोलो को या ऑप्शन डी विजोसा ओस्मानी सादरियो को क्वेश्चन नंबर सेवंथ का आंसर बताइए सेवंथ बिल्कुल करेक्ट है आंसर इज म्यूसिवेनी ठीक है योवेरी म्यूसिवेनी इज द करेक्ट आंसर और ये छह बारी बन चुके हैं प्रेसिडेंट ठीक है सिक्स टाइम्स ये प्रेसिडेंट बने हैं युगांडा के क्वेश्चन नंबर हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी ऑप्शन ए इराकली ऑप्शन बी फॉस्टिन ऑप्शन सी काजा ऑप्शन डी इसको दोबारा से नन कर दो चलो ऑप्शन रिपीट हो गया यहाँ पे जो आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी एस्टोनिया की वो बनी है काजा तो क्वेश्चन नंबर एट आंसर इज सी सब भूल कैसे गए इतना इजी टॉपिक है बिल्कुल

और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बने हैं वो बने हैं लिकॉन्डो ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ करेक्ट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर टेंथ हुजीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए नफ्ताली बेनेट ऑप्शन बी स्टीफन लोफबेन ऑप्शन सी अभी अहमद या ऑप्शन डी हेनरी मारी डोंड्रा तो क्वेश्चन नंबर टेंथ जो इथोपिया के दोबारा से प्रधानमंत्री बने दोबारा से री हुए ये तो वो कौन बने अभी अहमद क्वेश्चन नंबर टेंथ करेक्ट आंसर इज सी ठीक री एलेक्ट हुए अभी अहमद और एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना जीन माइकल नहीं होगा सारे बच्चे जीन माइकल जो बोल रहे हो ना जॉर्डन जीन माइकल नहीं होगा जीन माइकल आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बने हैं मैंने आपसे रिपब्लिक ऑफ कांगो पूछा था ठीक है क्वेश्चन नंबर एलेवंथ हु कंटिन्यू टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया अगर कंटिन्यू टू सर्व लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ दोबारा से रीएलेक्ट हुआ है ऑप्शन ए पेनपा शेयरिंग ऑप्शन बी इब्राहिम रईसी ऑप्शन सी C, बशर अल अशाद या ऑप्शन डी गुलारमो लासो तो आपके जो दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए सीरिया के वो बने हैं बशर अल अशाद ठीक है तो क्वेश्चन नंबर इलेवंथ आंसर इज सी हाँ पी मिलेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तुगल पुर्तुगल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए शामिया शुलूहू ऑप्शन बी विजोसा ओस्मानी ऑप्शन सी सादियार ज़्यारोफ या ऑप्शन डी मार्सिलो रेबोलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मार्सिलो रेबुलो डिसूजा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ करेक्ट आंसर इज डी मार्सिलो रेबुलो डिसूजा क्वेश्चन नंबर हु हैज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इटली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए मारियो द्रागी ऑप्शन बी इराली ऑप्शन सी ऑप्शन डी मार्क टूटे तो याद रखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इटली के वो कौन बन गए हैं मारियो द्रागी तो ए इज द करेक्ट आंसर भारत का करंट कैसे आएगा यहाँ पे आप पीएम और प्रेसिडेंट कर रहे हो तो मोदी जी तो अभी दो साल पहले ही दोबारा से पीएम बन गए हैं

आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन है ये थे को इग्नोर करो प्लीज है ठीक है ऑप्शन ए हेनरी मारी रोंड्रा ऑप्शन बी निकॉल पाशनियान ऑप्शन सी इसाक खरगोज या ऑप्शन डी चोगुल कोकला माएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ 15 का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सबका आंसर क्या हो जाएगा निकॉल पाशनियान और सबसे पहले डब्लू ने आंसर दिया है और शहनवाज़ ने आंसर इज़ बी सोलह हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तिबितन एक्साइल गवर्नमेंट तिब्बती निर्वासित सरकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए पेनपा शेरिंग ऑप्शन बी इब्राहिम रईसी ऑप्शन सी गुलारमो लासो लासोई ऑप्शन डी वजोसा उस्मानी सादी रियो तो आंसर आपका क्या होगा ए पेनपा शेयरिंग ठीक है पेनपा शेयरिंग आपके नियुक्त हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बन एक्साइल गवर्नमेंट के इसाक हरगोज यहाँ के थोड़ी ना है इसराइल के हैं क्वेश्चन नंबर हु वॉज द प्रेसिडेंट हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो ठीक है कोसोवो के प्रेसिडेंट कौन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी उखना ऑप्शन सी विजोसा या ऑप्शन डी जीन माइकल सामा लुआंडे सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तो आपका ऑप्शन से समझ जाओगे जो छठ रहा है वही ऑप्शन होगा तो विजोसा ओस्मानी इज द करेक्ट आंसर ठीक है विजोसा अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट वो बने नहीं है अभी नाम ही आ रहा है ठीक है जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन है को ऑप्शन बी अहमोदे को ऑप्शन सी इराकली को या ऑप्शन डी सामिया को क्वेश्चन नंबर 18th। 18th का जो करेक्ट आंसर होगा जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री वो बने हैं इराकली गरीब शिविली ठीक है पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम जो चैनल है इस पर मिल जाएगी ठीक है Slovakia? Slovakia नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए फैम मिन चिन को ऑप्शन बी फियामी नाउमी मताफा को ऑप्शन सी जी एन माइकल को ऑप्शन डी एडवर्ड हिगर को क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आंसर क्या हो जाएगा इसका नाइनटीन का बिल्कुल आंसर इज एडवर्ड हेगर ठीक है नाइनटीन का करेक्ट आंसर क्या होगा नए प्रधानमंत्री सुलवा के कि कौन बने एडवर्ड हेगर क्वेश्चन नंबर हु अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए हेनरी मैरी डोनरा ऑप्शन बी उखना कुरेले सुक ऑप्शन सी ओहदो महामोदो या ऑप्शन डी मारियो द्रागी क्वेश्चन नंबर बीस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ ही जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इज हेनरी मारी रोन्रा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करेक्ट आंसर इज ए हेनरी मारी डोनरा आपकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की नई प्रधानमंत्री ठीक है इक्कीस हु वॉज हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है ऑप्शन ए मार्सिलो रेबोलो डिसूजा ऑप्शन बी सामिया सोलोह हसन ऑप्शन सी मार्क रूटे ऑप्शन डी इराकी क्वेश्चन नंबर इक्कीस बिल्कुल आंसर कौन बनी है पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया तो याद रखना सामिया सुलूहू हसन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हु द प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजर नाइजर के प्रधानमंत्री कौन बने ऑप्शन ए काजा कलस ऑप्शन बी फॉस्टिन ऑप्शन सी अहमदो या ऑप्शन डी नन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू याद रखना ट्वेंटी टू का आंसर क्या होगा अहमदो महमदो महामदो ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज सी अहमदो महामदो आपके क्या बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर कहाँ के नाइजर के तो आंसर इज सी गुड आफ्टरनून निबाश एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो आप लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हैज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम वियतनाम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए फॉम मिन चिन को ऑप्शन बी चोगेल कोकोला को ऑप्शन सी जीन माइकल को या ऑप्शन डी हेनरी मारी डोंड्रा को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड तो ट्वेंटी थर्ड ये सारे जब आप कर ही चुके हो तो ऑप्शन क्या बचता है फार्म मिन चिन को ठीक है तो ट्वेंटी थर्ड करेक्ट आंसर इज फार्म मिन चिन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इज़राइल इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने ऑप्शन ए चोगुल कोकला ऑप्शन बी इसहा हरगोस ऑप्शन सी निकोल पशीनियानी ऑप्शन डी नफ्ट बेनेट तो यहाँ पे आपसे पीएम पूछा है तो वो बने हैं डी नफ्टली बेनेट ठीक है नफ्टा बेनेट इज़ द करेक्ट आंसर बिल्कुल नफ्टा बेनेट इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मध्य अफ्रीकी गणराज्य राष्ट्र के राष्ट्रपति कौन बने ऑप्शन ए फॉस्टिन ऑप्शन बी काजा कल ऑप्शन सी इराकली ऑप्शन डी मार्क रूटे क्वेश्चन नंबर पच्चीस बस आपको खासियत ये है एग्जाम में कि ऑप्शन मिलते हैं वरना इनके नाम तो ऐसे ऐसे महान होते हैं ना क्वेश्चन नंबर पच्चीस याद रखना आंसर क्या होगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट फॉस्टिन ठीक है आर्केंज ठीक है क्वेश्चन नंबर हु हु इज इज द अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कांगो कांगो गणराज्य का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन ए जीन माइकल ऑप्शन बी नागुन जुआन ऑप्शन सी उखना या ऑप्शन डी फियामी क्वेश्चन नंबर छब्बीस याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा जीन माइकल सामा लुखोंडे ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर छब्बीस का आंसर ए है छब्बीस का बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सत्ताइस अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए चोगल कोकुला ऑप्शन बी अभी अहमद ऑप्शन सी निकोल या ऑप्शन डी तो नए प्रेसिडेंट जो खरगोजेंट के बने हैं वो है खरगोज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पूछा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तो इसका आंसर हो जाएगा सी जीन माइकल सामा लुकोंडे और ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपके प्रधानमंत्री कौन बने हैं मालिक ऑप्शन ए निकोल पशिनयान ऑप्शन बी इसाक हरगोज ऑप्शन सी हैंनरी मारी या ऑप्शन डी चोगुल कोकला माएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ तो याद रखना जो नए प्रधानमंत्री बने हैं माली के वो कौन है चोगुल कोकला माएगा तो ये जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपॉइंट हुए थे 2021 में वो बस इतने ही हैं तो आप इस सबको याद कर लेना एक क्वेश्चन हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में आपका टकरा ही जाएगा तो सबको एक बार रट लेना पी में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी अभी ठीक है पाँच मिनट के अंदर तो आप पी से भी पढ़ लेना और अगली क्लास आपकी फ़ोर फिफ्टी फाइव पे होगी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर ठीक है तो मिलते हैं फोर फिफ्टी पे वर्षा सिंह आप नाम सर्च करिएगा अन अकेडमी के ऐप आप पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी उसको आप सभी फॉलो कर लेना और क्लास को 455 पे ज्वाइन करना ये फ्री क्लास होगी ठीक है स्पेशल क्लास होगी अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो अभी के लिए बस इतना ही था वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो एवरी वन टेक केयर थैंक यू ठीक है भूल गए कोई बात नहीं अभी पी डी एफ में सेंड करती हूँ पढ़ लेना ठीक है तो एवरी वन टेक केयर थैंक यू